पोला ग्राउंड स्थित में शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें उनसे जुड़ी हुई गाथाओं को बताया गया और उसके बाद पोल ग्राउंड से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय में 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गोंडवाना के अमरवाड़ा के पूर्व विधायक की मौत की न्यायिक जांच और आदिवासी समाज को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का मामला एवं पेट्रोल रसोई गैस बेरोजगारी अन्य मुद्दों पर आदिवासी समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष झमक सरेयाम, प्रहलाद कुशेर गोंडवाना, महासभा अध्यक्ष और मोनिका शाह भट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना पार्टी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदिवासियों पे अन्याय हो रहा है और आए दिन जो हत्या और आदिवासियों को वन भूमि से हटाया जा रहा है, उसके विरोध में काफी हमारा समाज आक्रोशित है और सुराज सरकार जो आदिवासियों के हित के लिए विफल है, इस बात को लेकर हमने आज राज्यपाल के नाम 5 सूत्री मांगों का हमारा ज्ञापन है। विगत दिनों जो तामिया में जो घटना घटी थी, प्रीति मिश्रा के द्वारा जो दुल्हन को दुल्हन के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया था, ऐसी कई घटनाएं जो जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आज पूरा आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, इन तमाम चीजों को लेकर आज महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।